क्या है वो आप लोगों को बताऊँ। एक क्लासरूम रहता है उसमें स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं और उस वक्त टीचर उस वक्त क्लासरूम में नहीं रहते, सब अपने बाद में मसरूफ रहते हैं, बातें करते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि टीचर क्लासरूम में आते हैं और वो अपने साथ बहुत सारे बलून्स लेकर आते हैं। रेड बलून, एक कलर रहता है सिर्फ रेड कलर का, सारे बलून्स रहते हैं। वो आते हैं और बच्चों को कहते हैं कि आप लोग अपना नाम इस बलून में लिखें, एक एक बलून आप लोग ले रहे हैं और अपना अपना नाम इस पर लिखे। तो सारे बच्चे क्या करते हैं, वो अपने बलून लेकर अपने अपने नाम उस पर लिख देते हैं। उसके बाद टीचर क्या करते हैं, एक तो कमरे में ले जाकर सारे बलून्स को उस पर रख देते हैं और वो जगह बहुत छोटी सी रहती है कि सिर्फ उस पर बलून्स रहते हैं, ज़्यादा स्पेस नहीं रहता। बाद में बच्चों को जाके क्या कहते हैं, अब उस कमरे में तुम लोग जाओ और 10 मिनट के अंदर अंदर में अपने नाम के बलून्स छोड़ के लेकर आओ। तो सारे बच्चे जाते हैं, छोटा सा कमरा रहता है, बहुत ज़्यादा हलचल मची रहती है, सब अपने अपने नाम के बलून्स ढूंढते रहते हैं। 10 मिनट कंप्लीट हो जाता है लेकिन उन लोगों को अपने नाम का बलून नहीं मिल पाता है। तब टीचर क्या कहते हैं कि मैं 10 मिनट और दे रहा हूँ, जिसको जिसके नाम का बलून मिलता है वो लेकर उसको देते हैं। तो क्या होता है कि 10 मिनट के अंदर अंदर में सबको सबके नाम का बलून मिल जाता है। तो आप लोग बताएं स्टोरी से क्या लेसन मिलता है, एनी वन मालूम है तो बता दें। इस स्टोरी से लेसन ये मिलता है कि जब पहले का 10 मिनट टीचर देते हैं तब हम लोग क्या होता है कि खुद में मगन हो जाते हैं कि हमको अपने नाम का बलून ढूंढना है, दूसरे से हम लोगों को मतलब नहीं रहता, सिर्फ अपने नाम का बलून ढूंढने में पड़ जाते सारे के सारे बच्चे। तो आज की ज़िंदगी भी वैसे ही है, हम सब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, दूसरों का बिल्कुल भी नहीं सोचते। अगला 10 मिनट जो देते हैं तो उसमें क्या होता है कि सब बच्चे जिसके नाम का भी बलून उनको मिलता है वो उनको दे देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर हम दूसरों को खुशी देते हैं तो उसमें हमको खुद की खुशी मिलती है। अगर हम लोगों को खुद की खुशी तलाश करनी है तो दूसरों की खुशी का हिस्सा बने, दूसरों की खुशी का जरिया बने। तो इस स्टोरी से यही सीख मिलता है। आप लोग अच्छे से पढ़ें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। एंड यहाँ के टीचर स्टाफ जो भी हैं सब बहुत अच्छे, आप लोग को बहुत कोऑपरेट करेंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ें एंड सक्सेसफुल बने। थैंक यू।